good morning children today let's continue chapter 7 of your science this is the page number 75 of your book and children please open your book today we will know about forms of matter children matter exists in three different forms or states as solids liquids and gases each state of matter has different properties first of all we will know about solids कोई भी matter तीन different forms में exist करता है यानी तीन form में पाया जाता है solid, liquid and gases yesterday I told you about this today first of all we will know about solids आज हम जानेंगे कि solids क्या होते हैं solids are generally hard solids कैसे होते हैं hard होते हैं solids have a fixed shape उनका shape जो होता है वो फिक्स होता है एंड डू नॉट चेंज देर शेप इजली और अपना शेप जो होता है वो चेंज आसानी से नहीं करते हैं दे कैन बी कैप्ट ऑन ओपन सरफेस उन्हें ओपन सरफेस पे हम रख सकते हैं उन्हें रखा जा सकता है वॉट इज द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनके गुण क्या होते हैं सॉलिड्स कैन चेंज दर शेप ओनली वैन इट इज ब्रोकन और डिफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग फोर्स वो अपना शेप तभी चेंज करते हैं कोई भी सॉलिड अपना फॉर्म तभी चेंज करेगा अपना शेप तभी चेंज करेगा जब उन पर कोई फोर्स लगाया जाए या फिर उन्हें तोड़ा जाए सम सॉलिड्स लाइक रवा फ्लावर वैक्स आर सॉफ्ट इन नेचर कुछ सॉलिड्स जैसे रवर फ्लावर वैक्स आर सॉफ्ट कैसे होते हैं सॉफ्ट होते हैं दीज आर सॉलिड्स लाइक टेबल पेंसिल टॉयज की योर लैपटॉप योर बाइक दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स ये सब क्या है किसके एग्जाम्पल हैं सॉलिड के इन्हें तोड़ने पर ही इनका शेप चेंज किया जा सकता है इनका आकार बदला जा सकता है अन्यथा ये अपना आकार चेंज नहीं कर सकते और इन्हें हम सरफेस पे, ओपन एरिया पर कहीं भी रख सकते हैं चिल्ड्रन सॉलिड्स सॉलिड सब्स्टेंसेस डू नॉट फ्लो यानी ये बहते नहीं हैं फ्लो नहीं करते हैं द शेप ऑफ हार्ड सॉलिड डज नॉट चेंज वैन मूवड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द शेप यानी कि इनका जो आकार होता है किसका हार्ड सॉलिड का डज नॉट चेंज चेंज नहीं होता है वैनमूवड जब इनको इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है या रखा जाता है लिक्विड्स नाउ विल नो अबाउट लिक्विड्स वॉट आर लिक्विड्स अ लिक्विड डज नॉट अ फिक्स्ड शेप लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है अभी आपने पढ़ा सॉलिड का शेप कैसा होता है फिक्स होता है लेकिन लिक्विड का शेप यानी उनका आकार फिक्स नहीं होता है इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड ये उसी चीज का आकार ले लेते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिनमें इनको रखा जाता है वैन पोर्ट इट टेक्स द शेप ऑफ द न्यू कंटेनर जब इनको किसी नए कंटेनर में किसी नए बर्तन में इनको डाला जाता है तो उसी का आकार लिख लेते हैं लिक्विड्स कौन कौन होता है जैसे वाटर हो गया आपका टी हो गई है ना ऑयल हो गया कोई भी जूस हो गया ये सब क्या है लिक्विड्स हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स आ लिक्विड्स डू नॉट है फिक्सड शेप लिक्विड्स का शेप फिक्स नहीं होता है लिक्विड्स हैव अ फिक्सड वॉल्यूम इनका वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड्स कैन बी पोर्ड एंड स्पाइल इनको कहीं भी पोर्ड किया जा सकता है मतलब इनको ओडेला जाता है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से ओडेला जा सकता है और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये ओपन सरफेस पे इनको रखा नहीं जा सकता ये फ्लो कर जाते हैं अगर हम वाटर को टेबल पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा फ्लो कर जाएगा वह जाएगा वो वहां पे रुकेगा नहीं तो लिक्विड्स क्या करते हैं ये फ्लो करते हैं बह जाते हैं चिल्डन द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज गैसेज मैटर की अगली फॉर्म यानी लास्ट फॉर्म क्या होती है गैसेस गैस डू नॉट हैव एनी शेप और साइज गैस का कोई भी शेप या फिर कोई भी साइज नहीं होता है दे स्प्रेड इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस उन्हें जो भी स्पेस मिलता है वो वहाँ पर एंटर कर जाती हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जो एयर है हमारे वातावरण में वो क्या है कई सारी गैसेस का एक मिक्सर है वी कैन नॉट होल्ड एयर इन आवर हैंड्स हम गैस को अपने हैंड्स में होल्ड नहीं कर सकते हाथों से नहीं पकड़ सकते मोस्ट गैसेस आर कलर लेस ज़्यादातर गैसे कैसी होती हैं कलर लेस होती हैं उनमें कोई भी कलर नहीं होता है एंड कैन नॉट बी सीन और उनको देखा भी नहीं जा सकता प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस गैसेस के गुण क्या होते हैं गैसेस टू नॉट हैव अ फिक्सड शेप और साइज गैसेस का कोई भी फिक्स शेप और साइज नहीं होता है गैसेस स्प्रेड एंड फिट ऑल द स्पेस अवेलेबल टू दैम इन क्लोज कंटेनर उनके आसपास गैसेस जहां जहाँ भी होती हैं उन्हें जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ पर एंटर कर जाती हैं और फैल जाती है. हैं गैसेस आ प्रजेंट ऑल अराउंड अस इन द एयर गैसेस हमारे चारों तरफ वातावरण में प्रजेंट हैं